वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो पॉलिटी की सीरीज़ है वो लगातार चल रही है और कुछ कारणवश कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अचानक कल क्या हुआ कि मैं वीडियो शूट कर रहा था और वीडियो शूट करते करते मेरा सारा वीडियो शूट हो चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही, थोड़ा सिस्टम में मिस्टेक हो गई और वो जो सारा वीडियो है वो सारा वीडियो वहाँ से डिलीट हो गया, इंटरप्ट हो गया, इनक्रिप्ट हो गया सारा वीडियो। और इसी कारण जो कल का वीडियो है वो थोड़ा सा अपलोड आपके पास नहीं पहुँच पाया होगा, अपलोड होकर आपके पास नहीं पहुँच पाया होगा। तो आज ये जो वीडियो है ये मैं आपको फिर से बना रहा हूँ, है ना, दोबारा से मुझे फिर से रिकॉर्डेड करना पड़ रहा है। तो कल नहीं आ पाया इसकी वजह आप लोग जान चुके हैं, है ना। तो कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है ना, कभी कभी बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लिया करें, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन में वो लेक्चर अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पॉलिटी के पार्ट जो हैं पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 1 आ चुका था, पार्ट 2 आ चुका था, पार्ट 3 आ चुका था, आज हमारा पॉलिटी का पार्ट 4 रहेगा। पार्ट 4 रहेगा, मास्टर वीडियो मान के चलिए आप इसको, ये पूरा एक मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो पॉलिटी का पूरा मैं एक भी बना सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं एक पूरा पॉलिटी का मास्टर वीडियो बना दूंगा तो आप लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 4-5 घंटे का हो जाएगा। और अगर मैं एक टॉपिक पर बनाऊंगा तो भी थोड़ी समस्या रहेगी, इसलिए मैं छोटे छोटे मास्टर वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, है ना, इसलिए ताकि आप लोगों ने देख सकें। और अधिकांश तौर पर क्या होता है कि हम एक साथ कवर करने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में, है ना। तो जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी आपको नहीं करना है। मेरा एक मोटिवेशन का कल वीडियो भी आया है तो आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। तो मोटिवेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही बताई थी, कंपटीशन में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। तो जल्दबाजी के साथ साथ आपको धैर्य रखना है और एवरीडे मोटिवेट रहते हुए आपको पढ़ाई करना है। एक दो बुकें हैं मोटिवेशन के आधार पर, जो बुकें व्यक्तियों का जीवन बदल देती हैं, अगर व्यक्ति एक बार पढ़ ले उनको तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। मैंने भी एक बुक पढ़ी थी, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस बुक को पढ़ें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक सेंड कर दूंगा आप लोगों को। और पॉलिटी की कुछ अच्छी बुकें हैं जिनका मैंने एक दो वीडियो में लिंक दिया हुआ है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसमें भी डाल दूंगा उसका लिंक, तो वहाँ से आप जाके परचेस कर लें, क्योंकि बुक के साथ पढ़ना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। यहाँ से मैंने आपको सारा डाटा दिया, आपने नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद आपको उसको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करने के बाद थोड़ा सा डाटा आप भी अपने स्तर से अपडेट कर लेंगे और कुछ डाटा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और कुछ आपका नोट्स से रहेगा, तो बहुत बेहतरीन तैयारी किसी भी सब्जेक्ट की हो जाती है, ठीक है। तो बुकें आपको जरूर रखना है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा और भी आप सर्च कर लेना अपने स्तर पर। आज का हमारा जो टॉपिक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद, या जैसे हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान को जब क्लासिफाइड किया गया तो 3 आधार पर किया गया, है ना। क्लासिफाइड या क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसको बांटना, जैसे आपकी जो पुस्तक होती है वो पुस्तक आपकी बहुत सारे अध्याय, बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे चैप्टर्स, सब टॉपिक, है ना, क्वेश्चंस में बटी रहती है। उसी प्रकार आपका भी जो संविधान है, संविधान जब बन के रेडी हुआ तो उसको 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहला था अनुसूची, अनुसूची की संख्या 12 है। पहले संविधान में अनुसूची 8 थी, उसके बाद 4 अनुसूची जोड़ी गई, कब जोड़ी, कैसे जोड़ी, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। 22 भाग हैं, पहले भी 22 थे, अभी भी 22 हैं, कहीं कहीं 25 भाग लिखा रहता है, तो 25 भाग नहीं है, 22 भाग के जब सब क्लॉसेस को आप ऐड कर लेते हैं, सब क्लॉसेस का मतलब होता है उनके भाग के अंदर,
सॉरी, उनके भाग के अंदर जो और छोटे छोटे भाग का खा गा ए बी सी डी करके जुड़े हुए हैं, उनको सभी को ऐड करके जब टोटल संख्या देखी जाती है तो भाग 25 हो जाते हैं। लेकिन आपसे पूछे तो आपको 22 ही टिक करना है। अगर आपसे अनुच्छेद या आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 395 ही हैं, लेकिन कुल जो आर्टिकल हैं, कुल आर्टिकल जो हैं उनकी संख्या 448 है। अब ये कुल आर्टिकल जो हैं इनका मतलब ये है कि इनके साथ ए बी सी डी करके भी जुड़े हुए हैं। ए बी सी डी का मतलब क्या है, सामान्य भाषा में मैं समझाऊं, जैसे आर्टिकल एक है, आर्टिकल दो है, आर्टिकल तीन है, ऐसे आर्टिकल हैं। फिर यहां आ गया आर्टिकल तीन का ए, तीन का बी, तीन का सी, तीन का सी, तीन का डी, इस तरीके से, और फिर यहां आर्टिकल चार आ गया। तो इस तरीके से जो आ का खा गा घा हिंदी में कहें और इंग्लिश में ए बी सी डी कहें, तो इस तरीके से सारे आर्टिकलों को मिलाने के बाद जो आपको एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है वो 448 है। तो यहां पर हम केवल और केवल अनुसूचियों की बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है। अगले आने वाले लेक्चर में मैं सारे भाग करा दूंगा, और उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको अनुच्छेद करा दूंगा। अनुच्छेद 395 है, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि सब क्लॉसेस सब आर्टिकल को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफी सारे वीडियो मुझे लाना पड़ेगा, और कमेंट करके आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि अनुच्छेद के ऊपर आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, एक पूरा मास्टर वीडियो कंप्लीट चाहिए, या टुकड़ों में मैं आपको रोज 50, 10 या 100 जितने भी आर्टिकल आप एक दिन में कवर कर सकें। तो आप अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे सभी लोग कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो कमेंट नहीं करते, तो उसमें क्या है मैं समझ नहीं पाता कि किस चीज़ की कमी है, और मेरे जो स्टूडेंट हैं उनकी क्या डिज़ायर है, क्या इच्छा है, तो वो आप बयां करें ताकि मैं उस डायरेक्शन में थोड़ा अग्रसर हो सकूं। तो आज हम अनुसूची पर बात करते हैं। भारतीय संविधान में बेसिकली 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी। पहले कहां तक थी, 8 थी, यहां तक। यहां आपको एक डेस्ट लगा लेना है, ये लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 12 तक, ये 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों के मैंने शॉर्ट कट यहां पर लिखे हुए हैं, शॉर्ट कट यहां पर लिखे हुए हैं, लॉन्ग कट इसी को थोड़ा सा बढ़ाकर मैं भी लिखूंगा। लेकिन इसे लिखने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा। इसे लिखने से पहले या अनुसूचियों को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा, और उस कहानी को आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। उस कहानी को अगर आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया तो आप बहुत अच्छे स्तर से, बहुत अच्छे तरीके से इन अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। अधिकांश तौर पर भाग से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन अनुसूची से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है। समस्या होती है अनुसूचियों को याद करने में और आर्टिकल्स को याद करने में। कभी भी आपने देखा होगा कि जब आप अनुच्छेद याद करते हैं तो अनुच्छेद याद करने के बाद या लिखने के बाद या उन्हें रिवीजन करने के बाद आप कंपैरिजन टू अदर टॉपिक इसको आप ज़्यादा भूल जाते हैं। आपने कभी अनुमान लगाया होगा, आपने कभी ऐसा एज्यूम किया होगा अगर आप पढ़ते हैं तो, कि आप आर्टिकल को भूलते हैं। कोई भी टॉपिक आपको कितना बड़ा दे दिया जाए, कोई भी बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे मैंने मेंस आंसर राइटिंग में 6 नंबर और 15 नंबर के भी क्वेश्चन कराए हैं, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप लोग पूरा याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और बल्कि उससे भी ज़्यादा आप लिख देते हैं। मैप के थ्रू मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया है, तो ज्योग्राफी भी आपको बहुत अच्छे से आता है, मैप वगैरह से आप एक बार में याद कर लेते हैं। क्लास में मैंने देखा है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा के जाता था, निश्चित तौर पर उसका आंसर दूसरे दिन सभी लोग देते थे। एक दो दिन में आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाती थी। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि मैं चीज़ें भूल जाता था तो आप मुझे याद दिलाते थे, ये यहाँ तक मैंने कोचिंग में देखा है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पिक्चर्स क्वालिटी पर। पिक्चर्स का मतलब होता है कि हमारा जो विज़न है उसे हम कितने ध्यान से देख रहे हैं। होता क्या है कि हमारा जो माइंड है वो माइंड शब्दों पर काम नहीं करता, वो माइंड पिक्चर्स पर काम करता है। शब्दों का मतलब यहां से अगर मैं बोलकर आपको कोई भी चीज सुनाऊं तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसी चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है और वो पिक्चर आपको याद हो जाती है। जैसे आप एक मूवी देखते हैं तो कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट अपने दिमागी स्तर से कितना भी कमजोर हो फिर भी उसको सारी मूवी याद हो जाती है।
वो सब कुछ आपको बता देगा कि कब क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, उसमें क्या है पिक्चर्स रहती है, और साथ में क्या रहता है पिक्चर के साथ साथ विजुअलिटी के साथ साथ उसमें सीक्वेंस रहता है। सीक्वेंस सबसे बड़ी चीज होती है, सीक्वेंस अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो वही हम करेंगे, यहाँ पर हम सीक्वेंस करेंगे और मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। पिक्चर तो यहाँ पर आपको दिख ही रही है, पिक्चर्स के लिए बस हम ब्लैक बोर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ व्हाइट बोर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताऊंगा और एक स्टोरी बताऊंगा। तो मैं आज आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, उस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने के बाद उसको आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से 12 स्टेपों में क्लासिफाइड कर देना है। कहानी एक पूरी होगी, उस कहानी को आप लिखेंगे, लिखने के बाद उस कहानी को आपको 12 भागों में से तोड़ना है। 12 भाग आप तोड़ देंगे, 12 अनुसूचियां बन जाएंगी। बात क्लियर है? थोड़ी सी कहानी आपको ऑड लग सकती है शुरुआत में, 2 से 3 बार पढ़ेंगे गारंटी है याद हो जाएगा। 2 से 3 बार अनुसूचियां पढ़ेंगे, पूरी गारंटी नहीं है कि याद हो, भूल सकते हैं आप, लेकिन कहानी अगर आपने ध्यानपूर्वक सुन ली तो हमेशा मेमोराइज आपके रहेगी, ठीक है। तो कहानी के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। कहानी थोड़ी सी अलग रहेगी क्योंकि यहां पर संवैधानिक चीजें रहेंगी, संवैधानिक टर्म को मैं यहां पर यूज करूंगा, है ना। एक राज्य में क्या क्या चीजें होती हैं उनको मैं यहां पर यूज करूंगा कहानी में। तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, ये मेरी उम्मीद है, और नहीं पढ़ा है तो पहले थोड़ा बहुत आप पढ़ लें, बुक वगैरह ले लें। बुक नहीं ली तो मैं लिंक वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेस कर लें, अच्छे से अच्छी बुक को मैं आपको रेफर कर दूंगा। तो बुक पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी टर्म क्लियर हो जाएंगी, नहीं होंगी तो मेरे वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद आपको ये सारी चीजों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये जो कहानी है, ये कहानी हम कहां बात करेंगे, भारत में करेंगे। भारत में जितनी भी चीजें होती हैं, भारत में जितनी भी चीजें हैं विकास की दृष्टिकोण से या शासन के दृष्टिकोण से या प्रशासन की दृष्टिकोण से, शासन प्रशासन गवर्नमेंट में जो जो चीजें होती हैं उन सारी चीजों को हम भारत के अंदर बात करेंगे। भारत मतलब राज्य, है ना, देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर देश को राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक मालिक है, यहां पर एक क्या है, मालिक है। मालिक ने एक भारत नाम के लड़के से, भारत नाम के लड़के से बात की। एक मालिक है, ध्यान से सुनना चीज को, आप समझने की कोशिश करना। एक मालिक है, मालिक ने एक भारत नाम का लड़का, भारत नाम के लड़के को क्या किया, हायर किया, भारत नाम के लड़के से मुलाकात की। मुलाकात इसलिए की क्योंकि मालिक को अपने काम को करवाना था, अपने काम को क्या था, करवाना था। तो जब काम करवाना था तो भारत से बात की कि भारत तुम मेरा काम कर दोगे क्या। भारत ने कहा ठीक है कर देंगे। तो मालिक ने फिर कहा कि तुम्हारे पास संघ है क्या, यूनियन है क्या। भारत ने कहा संघ है, बिल्कुल है, हमारे पास संघ भी है। संघ मतलब यूनियन, है ना, जो मजदूरों का यूनियन होता है उसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। आपको ये कहानी एजिटेस नहीं लेना, बस आपको समझते चलना है, ठीक है। मालिक ने भारत से कहा तुम एक संघ लाओ अपना, मतलब आपका संघ का मतलब आपके जो आपके अंडर में जो व्यक्ति काम करते हैं वो लाओ और मेरा काम करो। मालिक का काम कोई सा भी हो सकता है, इससे हमें लेना देना नहीं है। जब ये बात हो गई तो आप मुझे ये बताइए कि जब किसी मालिक और नौकर के बीच में कंसल्ट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है। आप खुद सोचिए, आपने भी कहीं ना कहीं काम किया होगा, काम नहीं किया तो कभी ना कभी सुना होगा। तो जब काम की बात कोई व्यक्ति करता है एक दूसरे से, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पैसे की। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है पैसे की, कि भाई हम तुम्हारे यहां काम करेंगे तो तुम वेतन कितना दोगे, पहली चीज। दूसरा, भत्ता कितना दोगे। भत्ता मतलब समझते हैं, जैसे व्यक्ति की जो सैलरी है वो तो फिक्स है, अगर उसको काम कहीं और जाना है, खाना पीना वगैरह है, है ना, जो डेली का एक्सपेंडिचर होता है उसके आधार पर भत्ता क्रिएट किया जाता है। तो भत्ता कितना दोगे और पेंशन कितनी दोगे। अगर हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे नौकरों को तो ठीक है, लेकिन हमें तो पेंशन चाहिए ना, क्योंकि हम बड़े व्यक्ति हैं, बड़े अधिकारी हैं, है ना। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें वेतन भी देंगे, भत्ता भी देंगे और पेंशन भी देंगे, ठीक है। भारत से क्या कहा मालिक ने, कि हम तुम्हें वेतन भी देंगे, भत्ता भी देंगे और पेंशन भी देंगे, ठीक है। अब वेतन मिल गया, भत्ता मिल गया, पेंशन मिल गया, अब फिर मालिक क्या कहेगा, मालिक कहेगा कि भाई तुमने ले तो सब कुछ लिया,
ले तो तुमने सब कुछ लिया, अब तुम हमें क्या, अब तुम्हें हम क्या करते हैं, पद पर नियुक्त कर देते हैं। तो पद पर उसको नियुक्त कर दिया, और जब पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उसे क्या दिलाई जाती है, शपथ। क्या दिलाई जाती है, शपथ या ओथ, इंग्लिश में ओथ कहते हैं। तो पद पर क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। शपथ प्रत्येक काम में दिलाई जाती है, बड़े पद जो होते हैं उनकी औपचारिक रूप से शपथ होती है, और जो सामान्य काम होते हैं उनमें भी शपथ होती है। जैसे आप मालिक हैं, किसी भी व्यक्ति या मजदूर से जब काम कराते हैं तो आप उसको जब पैसा देते हैं तो आप उससे कहते हैं कि काम ठीक से करना, इतने समय में ये करना है, इतने समय में ये करना है, इतने समय में ये काम हो जाना चाहिए। तो आपके बीच में उसके बीच में कुछ डिस्कशन होता है, आप उसको कुछ निर्देश देते हैं और उससे आप कहते हैं कि काम में बेईमानी नहीं करना, काम को पूरी ईमानदारी पूर्वक तुमको करना है। तो यही क्या हो जाती है, एक सामान्य शपथ हो जाती है। तो कुल मिलाकर कुछ बेसिक बातें होती हैं, उसी को हम शपथ मान सकते हैं। तो शपथ ले ली, जब शपथ ले ली तो फिर मालिक ने भारत को जब शपथ दिला दी तो फिर वो पूछेगा मालिक कि तुम्हारा जो संघ है उसमें सीटों की संख्या कितनी है, उसमें सीटों की संख्या कितनी है, मतलब तुम्हारे जो सहायक मजदूर हैं, जो तुम्हारे सहायक संघ के लोग हैं, उनकी सीटों की संख्या कितनी है। तो उनकी सीटों की संख्या जो होगी वो बता देगा कि भाई हमारे सीटों की संख्या इतनी है, ठीक है। सीटों की संख्या मान लो 250 है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि भारत सरकार को कौन सा सदन चलाता है, लोकसभा चलाता है। भारत सरकार को कौन सा सदन चलाता है, लोकसभा चलाता है। और लोकसभा का सहायक सदन कौन सा है, लोकसभा का सहायक सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या, ठीक है, तो इस अनुसूची में क्या आ जाएगा, राज्यसभा की सीटों की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो शपथ दिला दी, भारत से पूछा तुम्हारी सीटों की संख्या कितनी है, तो उतना बता दिया कि हमारी सीटों की संख्या 250 है ना, जो कि राज्यसभा के जैसा काम करता है। फिर जब सीटों की संख्या निर्धारित हुई, तब मालिक ने कहा कि अब हमारा शासन प्रशासन सब कुछ सेट हो चुका है, अब यहां पर हमको क्या करना है, अब हमें यहां पर हमने जो मजदूरों को लिया है, जो हमारा संघ है जहां मजदूर काम कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ व्यक्तियों को ऊपर लेके आना है। और ऊपर हम किन्हीं लाएंगे, निम्न कैटेगरी के लोगों को। और निम्न कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी के। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति, हिंदी में कहा जाता है अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों को हमें क्या देना चाहिए, उनके हक देना चाहिए, उनको, उन पर हमें नियंत्रण करना चाहिए, उनको हमें विशेष अधिकार देना चाहिए और उनका हमें विकास करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पद पर भी हमने विकास कर दिया, हमने नौकरों को भी ले लिया, संघ भी बना लिया, लेकिन हमने एससी एसटी को छोड़ दिया, है ना। एसटी एससी को अगर छोड़ेंगे तो समस्या बनेगी, क्योंकि वो निचला क्रम है, निचले क्रम को ऊपर लाना, बराबर लाना बहुत जरूरी होता है। तो एससी एसटी को भी इनने क्या कहा, प्रशासन की बात कही, भारत से कहा कि भाई तुम क्या करो, एससी एसटी पर भी प्रशासन करो और उनको नियंत्रित करो, है ना। तो भारत ने कहा ठीक है, हमारी सीटों की संख्या भी रहेगी, हमने शपथ भी ले ली, अब हम एससी एसटी पर प्रशासन भी करेंगे, उनको नियंत्रित भी करेंगे। बात क्लियर है, है ना। तो जो गरीब लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति वाले लोग होते हैं, उनको भी हम समाज में बराबर का क्या देंगे, हिस्सा देंगे, और बराबर बराबर का हिस्सा देंगे, और उनको हम अपने निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर विकास के क्रम में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एससी एसटी पर भी हो गया। अब एससी एसटी पर होने के बाद भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, एसटी एससी का विकास हो जाने के बाद, है ना, मालिक ने कहा कि हमने एसटी एससी का विकास तो कर दिया है, लेकिन भारत में और भी अभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास होना चाहिए, ठीक है। तुम सभी जगह तो विकास कर रहे हो, ठीक है, एसटी एससी का भी कर दिया, ठीक है, लेकिन कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास होना चाहिए, ठीक है। तो भारत ने कहा बता दो कौन से क्षेत्र हैं, तो भारत को बता दिया कि भाई जनजातीय क्षेत्र हैं जो विशेष क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं जो विशेष क्षेत्र हैं, उन पर क्या करना है, उन पर भी आपको प्रशासन करना है, उनको भी नियंत्रित करना है और उनको भी विकास करना है। अब जैसे मान लो गांव में कोई काम होता है या शहर में कोई काम होता है, तो शहर में एससी एसटी कम्युनिटी रहती है, लेकिन आपने देखा होगा कि इसके अलावा भी और कुछ पिछड़े व्यक्ति होते हैं, इसके अलावा भी कुछ और पिछड़े व्यक्ति होते हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, है ना, जो विशेष प्रकार की आवाजें निकालते हैं, हा हा हु, जैसे बुशमैन, सैम्पिंग, है ना, अंडमान निकोबार में आपने देखा होगा, है ना। मैंने आपको मध्य प्रदेश में क्वेश्चन भी पढ़ाया था कि जनजातियों की भी जनजाति किसे कहा जाता है,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए रहा। तो जनजातीय क्षेत्रों को भी हमें क्या करना है, विकास करना है। इन्होंने कहा ठीक है इनको कर रहे हैं तो इनको भी कर लेंगे, लेकिन इनको हम क्षेत्र के हिसाब से करेंगे। जहां पर पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है वहीं के क्षेत्रों को हम एक विशेष क्षेत्राधिकार घोषित कर देंगे और वहां पर अलग से प्रशासन बनाकर हम इनका विकास करने लगेंगे, ठीक है। तो मालिक ने कहा ठीक है अच्छी बात है। अब जनजातीय क्षेत्र जब निर्धारित किए, और जनजातीय क्षेत्र कौन सा वाला निर्धारित किया, जहां पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र कहां पर है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है। ये कहां पर है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो असम वाला क्षेत्र है, असम क्षेत्र है ना, मेघालय क्षेत्र है, मिजोरम क्षेत्र है, मेघालय मिजोरम है ना, त्रिपुरा वाला क्षेत्र है। तो वहां पर क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा पहाड़ हैं, वहां पर बहुत ज्यादा पिछड़े लोग रहते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि वहां वहां रोड भी नहीं है, वहां रोडों की भी संख्या कम है, है ना, रेल लाइन की भी बहुत संख्या कम है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है ना, बिजली वगैरह भी नहीं पहुंच पाती, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उनके लिए अलग से प्रशासन के लिए ठीक है क्षेत्र घोषित किया, तो उस क्षेत्र को हमने क्या कहा, जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन, क्या कहा, जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन। तो इसमें केवल क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन से जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र तो सभी कहीं हैं, जनजातीय क्षेत्र तो पूरे भारत में है, लेकिन पूरे भारत को जो जनजातीय क्षेत्र है उस पर हमें बात नहीं करना। सारे जनजातीय क्षेत्र को हमने किसमें ले लिया है, सारे भारत के जनजातीय क्षेत्र को हमने एससी एसटी में प्रशासन में ले लिया है। एसटी का मतलब जनजाति होता है, लेकिन इसमें विशेष क्षेत्र होगा जो जनजाति से भी पिछड़े हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं। तो पहाड़ों के चार राज्य हैं, उन चारों राज्यों के नाम को आपको याद रखना है। एक छोटी सी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, उस ट्रिक के माध्यम से ये चारों राज्य आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। उस ट्रिक का नाम है अब मैं मित्र, क्या नाम है, अब मैं मित्र हो चुका हूं आपका, है ना। मालिक ने भारत से जब कहा तो भारत ने सारे काम कर दिए, और सारे काम करने के बाद सबसे पिछड़े लोगों को भी उसने विकसित कर दिया, और भारत ने क्या कहा कि अब मैं मित्र हो चुका हूं तुम्हारा, और अब मैं तुम्हारा विकास करके रहूंगा, अब मैं तुम्हारा विकास करके रहूंगा, तुम्हें जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं के उभार दूंगा। जितने भी पिछड़े राज्य हैं उन चार राज्यों में जाकर भारत ने घोषणा कर दी और कहा कि मैं अब तुम्हें विकास विकसित कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्या कहा, अब मैं मित्र हो चुका हूं तुम्हारा। तो अब मैं मित्र में वो चारों राज्य आ जाते हैं, ठीक है। आ से क्या हो जाएगा, असम। मे से क्या हो जाएगा, मेघालय। मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। और त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। तो ये वो चार राज्य हैं, है ना, ये वो चार राज्य हैं। तो इन चारों राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन जो होता है वो अनुसूची 6 में होता है, बात क्लियर है। तो इन चारों राज्यों में होगा, हिंदी वाले इस ट्रिक से याद कर लेंगे, इंग्लिश वालों के लिए मैं एक और ट्रिक बता देता हूं, AMTM। क्या ट्रिक है, AMTM। तो AMTM बहुत सामान्य सी ट्रिक है, चार अल्फाबेट हैं, ए से असम, मे से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। AMTM जो भी आपको सही लगे उस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, बात क्लियर है। अब फिर मालिक ने जितनी बातें कही, मालिक ने भारत से जितनी बातें कही, भारत ने सारी बातें मान ली। भारत से कहा कि तुम्हारा संघ बताओ, इसने कहा हमारे पास संघ है, तुम वेतन कितना लोगे, भत्ता कितना लोगे, पेंशन कितनी लोगे, ये भी बता दिया, चलो अब शपथ ले लो, शपथ भी ले ली। सीटों की संख्या बता दो कितनी है तुम्हारे संघ में, इन्होंने कहा 250 है, चलो तो अब सीट एसटी एससी पे प्रशासन करना है तुम्हें, इन्होंने कहा ठीक है कर देंगे। कुछ पिछड़े क्षेत्रों में शासन करना है जो चार राज्य वाले क्षेत्र हैं, इन्होंने कहा ठीक है कर देंगे। अब भारत ने कहा, मालिक की सारी शर्तों मान ली भारत ने, अब भारत यहां पर कहता है कि देखो मालिक, जब हम शासन करेंगे, मतलब जब हम लोगों का विकास करेंगे, तो हम विकास कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे, क्योंकि यहां पर भारत में दो प्रकार की सरकार है, एक तो राज्य सरकार है, एक केंद्र सरकार है। तो हम विकास कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विषय अलग है ना, इसके अलावा वन विभाग अलग है, पुलिस विभाग अलग है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग अलग है, शिक्षा विभाग अलग है ना, अकाउंटेंट विभाग अलग है, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं। तो इनमें हम कैसे काम करें, राज्य के स्तर पर काम होगा मुख्यमंत्री के एडवाइस से, कि केंद्र के स्तर पर काम होगा प्रधानमंत्री के एडवाइस से, बड़ी समस्या है ना। तो मालिक ने कहा तुमको कुछ नहीं करना, तुम एक काम करो,
तुम सारे जितने भी काम हैं उनको वर्गीकृत कर लो। क्या कर लो? वर्गीकृत कर लो, क्लासिफाइड कर लो। कैसे क्लासिफाइड कर लो? कुछ काम राज्यों को दे दो, कुछ काम केंद्र को दे दो, और कुछ काम दोनों को रख लो। जहां पर एक एक से काम नहीं बनता उनको दोनों में ले लो। इसने कहा ठीक है। तो तीन प्रकार के काम बांटे। पहला काम बांटा राज्य का, जिसे हमने राज्य सूची कह दिया। दूसरा काम बांटा हमने संघ का, संघ सूची कह दिया। संघ का मतलब केंद्र होता है, केंद्र भी कह सकते हैं, संघ सूची भी कह सकते हैं, केंद्र सूची भी कह सकते हैं। तो राज्य का काम बांट लिया, संघ का काम बांट लिया, केंद्र का काम बांट लिया, और कुछ दोनों के काम थे एक साथ में, उनको हमने संवर्ती सूची में रख दिया, उनको हमने संवर्ती सूची में रख दिया। ठीक है। तो इन सूची का मतलब क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का मतलब यह है कि एक सूची है, उन सूची में काम लिखे हैं। वन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अकाउंटेंट विभाग, रेल विभाग, पोस्ट ऑफिस विभाग, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं, सभी के काम हैं। उन कामों को, कुछ कामों को राज्य को दिया गया है, कुछ काम को केंद्र को दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जैसे पुलिस विभाग, पुलिस विभाग जो है वो राज्य स्तर पर काम करता है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि भारत की जो, भारत में जो पुलिस है वो एक ही पुलिस है, ऐसा नहीं होता। आपने सुना होगा एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो अलग अलग राज्यों की पुलिस लिखी रहती है। आपने बिल्ला भी देखा होगा पुलिस वालों को, तो उसमें ऐसा नहीं लिखा रहता, ऐसा नहीं लिखा रहता भारतीय पुलिस, कभी नहीं लिखा रहता। उसमें क्या लिखा रहता है? मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। तो क्या है? राज्य सूची का विषय है। आर्मी में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की आर्मी, पंजाब की आर्मी, वहां क्या लिखा रहता है? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। बात क्लियर है? तो वो किसमें आ जाता है? केंद्र की सूची में आ जाता है। केंद्र की सूची में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे रेलवे, रेलवे भी है ना, डाक विभाग है आपको, पोस्ट ऑफिस है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ हमने संवर्ती सूची में रखा, जिनको दोनों को एक साथ काम करना है। जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग केंद्र के आधार पर भी काम करती है और राज्य के स्तर पर भी काम करती है। तो ऐसी सूचियों को हमने संवर्ती सूची में रख दिया। किसने? भारत ने। किसके कहने पर? मालिक के कहने पर। यहां तक बात क्लियर है? इंग्लिश में इनको कहा जाता है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बाद फिर क्या समस्या आई? जब हमने इस तरीके के क्षेत्रों को बांट दिया, इस तरीके के क्षेत्रों को बांट दिया, तब एक समस्या आई कि यार भाषा जो है उस भाषा को हम किस तरीके से क्लासिफाइड करें। ठीक है, भारत ने कहा कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, जब हम इन तरीके के क्षेत्रों में काम करेंगे, लोगों का विकास करेंगे, तो लोगों का विकास करने के लिए उन क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। अब मैं हिंदी जानता हूं तो दक्षिण भारत नहीं जा सकता, दक्षिण भारत वाला तमिल जानता है तो वो हिंदी नहीं बता सकता, है ना। तो समस्या खड़ी हो गई। तो इस समस्या का निराकरण करने के लिए, इस समस्या का निराकरण करने के लिए जो जो पद बनाए थे, उनके पद पर जो पदाधिकारी थे वो उस क्षेत्र के उसी भाषा से चुने जाएं, ताकि वो वहां पर क्या कर सकें? काम कर सकें। दक्षिण भारत का दक्षिण भारत में रहेगा, हिंदी वाला हिंदी क्षेत्र में रहेगा, तमिल वाला तमिल में, गुजराती वाला गुजरात में, राजस्थान, मराठी, है ना, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सभी भाषाओं के अलग अलग क्षेत्र बांट दिए। तो उनने कहा कि फिर हमें भाषा को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टोटल 22 भाषाएं भारत में हमें मिली। टोटल हमें कितनी मिली? पहले जब ये शुरुआत हुई तो 14 भाषाएं मिली, पहले जब शुरुआत हुई तो 14 भाषाएं मिली, है ना। लेकिन फिर बाद में ओवर एनालिसिस किया गया गहराई से, तो फिर इनने कहा कि चलो नहीं, 14 नहीं, हम 22 भाषाओं को एक साथ क्या करेंगे? स्टडी करेंगे और 22 भाषाओं के क्षेत्रों पर, 22 भाषाओं के लोगों पर काम करेंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट, जब भाषा क्लियर हो गई, भाषा क्लियर होने के बाद अब ये जो पदाधिकारी हैं, अब ये मैदान में उतरे। मैदान का मतलब है ये अब एक एक क्षेत्र में पहुंचे, गांव में, शहर में, कस्बों में, नगर, टाउन, जहां जो क्षेत्र मिला वहां पर उतर गए, और उतरने के बाद जब काम शुरू कर दिया, विकास करना शुरू कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि जब ये काम करने उतरेंगे, विकास करने उतरेंगे, तो ये विकास कैसे करेंगे? जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, वो कंपनी आपके क्षेत्र में पहुंची विकास करने के लिए, तो सबसे पहला टारगेट उसका क्या होगा? आप खुद सोच के बताइए कि जब वो आपके यहाँ आएगा, या कोई भी व्यक्ति आएगा कुछ भी काम करने के लिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे चुनाव कराने वाला हो, चाहे अदर विभाग का हो, चाहे वन विभाग का हो, है ना, किसी भी विभाग का हो, चाहे उद्योगपति हो, उद्योग लगाना हो उसको, फैक्ट्री लगाना हो, तो जब वो आपके क्षेत्र में आएगा तो सबसे पहले उसका क्या निर्णय होगा? केवल और केवल एक ही निर्णय होगा कि उसे सबसे पहले भूमि चाहिए होगी।
क्या चाहिए होगी? भूमि। ठीक है, जब वो भूमि ले लेगा, जमीन खरीद लेगा, तो जमीन को क्या करेगा? सुधारेगा, है ना। जमीन को क्या कर लेगा? सुधारेगा, तो भूमि सुधार हो गया। फिर उसका अधिग्रहण करेगा, अधिग्रहण का मतलब उसे खरीदेगा। तो सबसे पहले खरीदेगा, अधिग्रहण करेगा, फिर उसको सुधारेगा और फिर उस पर कुछ नियम बनाएगा कि भाई ये जो जमीन है हम इतने समय के लिए लेते हैं, ये जो, या तो वो उसको समय के लिए लेगा या परमानेंट ले लेगा या किसी और को दे देगा। बहुत सारे जितने भी नियम कानून है उनको हमने क्या कह दिया? अधिनियम कह दिया, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 9 में आ गया, भूमि सुधार, अधिग्रहण और अधिनियम। बात क्लियर है। अब जब इसने अपने बहुत सारे व्यक्तियों को काम करने के लिए भेजा और जब उन्होंने भूमि खरीदी, जैसे ही भूमि खरीदी तो लोगों के बीच में विवाद हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो लड़ाई है, लड़ाई झगड़े हैं, वो केवल 3 चीजों के आधार पर होते हैं। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के आधार पर कुछ कहावतें हैं, बाकी मैं इस चीज को सही नहीं मानता, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। जड़ जोरू और जमीन, ऐसा कहा जाता है कि जो लड़ाइयां हैं वो 3 आधार पर होती हैं, जड़, जोरू और जमीन। जड़ का मतलब आप जानते ही हैं, है ना, जोरू का मतलब भी आप जानते ही हैं, और जमीन का मतलब होता है भूमि। तो भूमि के आधार पर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जैसे ही लोगों को भूमि दी और उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा, है ना, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया, तो जो लोगों को जिन क्षेत्रों में जिस काम को करने के लिए भेजा था उनने क्या कर लिया? दल बदल लिया। उनने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, यहाँ ये समस्या है। दूसरा व्यक्ति कहीं और पहुंचा, उसने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, हमसे ये नहीं हो सकता, भाषा समझ में नहीं आ रही, लोगों से लड़ाई हो गई। दुनिया भर की बातें कहकर उनने क्या कर लिया? दल बदल लिया, मतलब अपना काम चेंजेस कर लिया। बात क्लियर है। तो दल बदल जो वाला हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा 10वें नंबर पे आ गया। दल बदल के बाद फिर सबसे निचले स्तर पर हमारे भारत भाई साहब पहुंचे, है ना। ये यहां पर क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सभी अपने संघ के लोगों को। इन्होंने कहा कि अब तुम निचले स्तर तक पहुंचो और वहां जाके विकास करके आओ, देश खुद ब खुद विकास हो जाएगा, देश का खुद ब खुद विकास हो जाएगा। तो लोगों ने पूछा कहाँ करें विकास, तो भारत ने कहा कि तुम ग्राम पंचायत जाओ। कहाँ जाओ? ग्राम पंचायत। गांव में जब जाओगे तो एक ग्राम पंचायत बनानी है और ग्राम पंचायत वहां पर छोटे स्तर पर काम करेगी। तो जब ग्राम पंचायत में एक गांव सुधरेगा तो निश्चित तौर पर सारे गांव सुधरेंगे और सारा भारत सुधर जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें सबसे छोटी यूनिट पर काम करना है, ठीक है। तो यूनिट पर काम करने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजा, और जब व्यक्तियों को भेजा तो उन्होंने क्या कहा कि हमें ग्राम पंचायत व्यवस्था बनानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 1993 में ग्राम पंचायत व्यवस्था बनी। बात क्लियर है। गांवों को भी क्या करने लगा? गांवों का भी क्या होने लगा? विकास होने लगा, ठीक है। जब ग्राम पंचायत व्यवस्था बन गई तब फिर यहां पर गांव के जो पंचायत के लोग हैं और कुछ बड़े पद के जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगा कि जिस प्रकार से हम गांव में काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत व्यवस्था के आधार पर, उसी प्रकार से हमें कुछ बीच के स्तरों को भी लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो शासन बना तो वो शासन कहाँ बना? केंद्र में बना। राज्य स्तर पर कुछ नहीं था, ठीक है, केंद्र में बना। फिर उसके बाद राज्य में मुख्यमंत्री बना, तो यहाँ पर पीएम रहता था, यहाँ पर सीएम रहता था। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए वो मेरे प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट की पॉलिटी है उसमें जाकर एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लेंगे, केंद्र और राज्य, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। तो केंद्र में पीएम बना, राज्य में सीएम बना, इस तरीके से शासन चला, है ना। फिर एक महात्मा गांधी का जो निर्णय है वो बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया और उसके बाद हम सबसे निचले स्तर तक पहुंचे, ग्राम स्तर तक। ग्राम स्तर पर पहुंचने के बाद हमने ग्राम पंचायत व्यवस्था की। ग्राम पंचायत व्यवस्था हुई 1993 में। उसके बाद में ये निकल के आया कि यार ग्राम पंचायत के साथ साथ जो बीच के क्षेत्र हैं उन पर विकास कैसे होगा, क्योंकि ये जो पीएम है वो गांव-गांव तो जाएगा नहीं, ये जो सीएम है वो गांव-गांव तो जाएगा नहीं, गांव-गांव की एक एक रोड, एक एक कुलिया, एक एक रास्ता में जाके तो देखेगा नहीं कि कहां गड्ढा है, कहां से पानी लीक हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसी कारण ग्राम पंचायत बनाई, क्योंकि वहां की जो व्यवस्था है वो उस स्तर को देख सके, निचले स्तर को देख सके। फिर लोगों के दिमाग में आया कि यार ग्राम पंचायत के आगे थोड़ा सा एक और होना चाहिए जो थोड़ा बड़ा है, वहां पर हमें क्या होना चाहिए? नगर पंचायत होना चाहिए।
ग्राम पंचायत के बाद नगर पंचायत होना चाहिए, उसके बाद नगर पालिका होना चाहिए, नगर पालिका होना चाहिए, नगर पालिका से थोड़ा बड़ा नगर निगम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नगर निगम। तो इस तरीके से नगर पंचायत, जिला पंचायत मतलब नगर पालिका और नगर निगम जैसी स्थापना कर दी और इन सभी को एक शब्द दिया, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। अब मुझे आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके, कि स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एक मैंने आपको पूरी कहानी बताई, उस कहानी में पूरी कहानी को आपको पहले एक पेज में लिखना है, उसको 12 चरणों में 12 स्टेप्स में तोड़ना है और वही 12 अनुसूची हो जाएंगी। ये पहली बार नहीं होगा, लेकिन जब 3 से 4 बार आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक केयरफुली सुनिए। मालिक ने भारत से कहा कि तुम्हारा संघ बताओ क्या है, या तुम काम कर सकते हो। इसने कहा बिल्कुल। वेतन कितना लोगे, भत्ता कितना लोगे, पेंशन कितना लोगे, जल्दी से कंसल्ट कर लो। कंसल्ट किया। इसके बाद कहा चलो पद पे आओ, शपथ लो। पद पे आके शपथ ले ली। अब कहा सब शपथ ले ली है तो अपनी सीटों की संख्या बताओ। तो इसने अपनी सीटों की संख्या बताई कि मेरे पास भाई 250 सीटें हैं और 250 सीटें आपको पता है राज्यसभा में है। राज्यसभा के बाद इससे कहा कि चलो अब तुमने सीटों की संख्या बता दी, पद ले ली, शपथ ले लिया, पेंशन ले लिया, अब तुम काम करना शुरू करो। तो काम करना जब शुरू करोगे तो सबसे पहले एसटीएससी के लोगों पर, लोगों को आप आगे बढ़ाओगे सबसे पहले। इसने कहा चलो ठीक है। एसटीएससी पे प्रशासन किया, नियंत्रण किया, उनको विकसित कर दिया। फिर कहा कुछ विशेष क्षेत्रों पर जाओ। तो विशेष क्षेत्रों में इसको 4 राज्य मिले। 4 राज्यों के नाम है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 4 राज्य इसको मिले। 4 राज्यों पर इसने फिर से जनजाति प्रशासन लगा दिया, उनको भी विकसित कर दिया। फिर उसके बाद इसने कहा कि ज्यादा समस्या हो रही है एसटीएससी और क्षेत्रों को लेकर। तो इसने कहा कि अब हम 3 सूचियां बनाते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 3 सूची बचाई है ना, 3 सूचियां बनाई। 3 सूचियां जब बनाई तो 3 सूचियों में अलग अलग विषय रखे गए, और अलग अलग विषय रखने के बाद ये बात यहां पर क्लियर हो गई। इसके बाद भाषा, इसने कहा भाषा का समस्या ज्यादा है तो भाषाओं को हम डिसाइड कर लेते हैं। तो 14 भाषाएं डिसाइड की, फिर बाद में बढ़कर 22 हो गई और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसके बाद इसने कहा जब भाषा बन चुकी है तो भूमि सुधार भी चाहिए, भूमि सुधार भी चाहिए, भूमि अधिग्रहण भी चाहिए, और भूमि पर हम नियम भी बनाएंगे, है ना, तभी हम काम कर पाएंगे। बिना भूमि के कोई काम अगर संभव हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं हो सकता। तो भूमि पर भी इसने काम किया। जब भूमि दे दी तो लोग दल बदलने लगे कि भाई ये भूमि खराब है, ये भूमि अच्छी है, आपने उस व्यक्ति को लोकेशन अच्छा दे दिया, हमको लोकेशन अच्छा नहीं दिया, हमको आउट में छोड़ दिया, उसको आपने मेन मार्केट में जमीन दे दी। तो ऐसा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा, दल बदल कानून आ गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। बात क्लियर है। फिर इसके बाद कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे तो लोग दल बदलू हो जाएंगे। तो पहले हम ग्राम पंचायत में जाते हैं, ग्राम पंचायत का विकास होगा तो सबका विकास होगा, दल बदल भी होगा तो ज्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर, ग्राम लेवल पर काम होता रहेगा। आज आप देखते हैं मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद अगर दल बदल लेता है, फिर भी हमारे देश में शासन प्रशासन व्यवस्था निरंतर उसी अच्छे क्रम से चलती रहती है। कारण क्या है? ग्राम पंचायत अलग है, नगर पंचायत अलग है, जिला पंचायत अलग है, नगर निगम अलग है, नगर पालिका अलग है, राज्य स्तर अलग है, केंद्र स्तर अलग है, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहा है। दल बदलेगा तो एक व्यक्ति। बात क्लियर है। इसके बाद फिर हमने कहा कि बीच में भी कुछ लाएंगे, तो नगर पालिका, नगर निगम, ये सब आ गया। ये कहानी के माध्यम से आपको लिख लेना है और 12 स्टेप्स में आपको तोड़ लेना है। अब मैं आपको इसका एक एक करके डिटेल बताता हूं कि वास्तविक तौर पर क्या है। नंबर 1, पहली अनुसूची में है भारत एवं संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। पहली अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है और इसी में लिखा है भारत में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सॉरी 8 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसे इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। पहले छह केंद्र शासित थे, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित बढ़े, तो 7 से 2 और बढ़े तो 9 हो गए। 9 के बाद फिर दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, तो फिर से 9 की जगह 8 हो गए। तो 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित हैं। जितने भी व्यक्ति हैं भारत में वेतन लेते हैं, चाहे गवर्नमेंट टीचर हो, इंजीनियर हो, और पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सेना विभाग हो, है ना, मत्स्य विभाग हो, वन विभाग हो, है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर विभाग हो, है ना, कोई सा विभाग हो, सभी विभाग में जो वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, पेंशन लेते हैं, वो सारे जो हैं वो किस अनुसूची के आधार पर लेंगे? वो अनुसूची दूसरी के आधार पर अपना वेतन और भत्ता लेंगे। कितना लेंगे ये सबका लिखा हुआ है अलग अलग विभाग में, है ना। तो इस कौन कितना पेंशन लेता है, भत्ता लेता है, ये मैं आपको आगे
आगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब वेतन और भत्ता ले गए तो निश्चित तौर पर उनको क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ की बात किस अनुसूची में कही गई है, अनुसूची 3 में कही गई है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मुख्यमंत्री शपथ लेता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, सब शपथ लेते हैं। तो वो शपथ के अनुसूची के आधार पर लेते हैं, सारे व्यक्ति जो शासन में शपथ लेते हैं वो अनुसूची 3 के आधार पर शपथ लेते हैं। इसके बाद राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है 250, वो किस अनुसूची में डिफाइन की गई है, वो अनुसूची 4 में डिफाइन की गई कि भाई 250 है, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 245 सदस्य इसमें उपस्थित हैं। एसटीएससी पर जो भी कानून बनता है, प्रशासन होता है, नियंत्रण होता है, वो अनुसूची 5 में रखा हुआ है। याद कैसे रखेंगे, याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। पहली अनुसूची को तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, याद कर लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि पहले भारत ही आएगा, बाद में दूसरी चीज आएगी, कहते हैं ना सबसे पहले हमारा देश फिर बाद में दूसरी चीज। अनुसूची दो में भत्ता, भत्ता में कितने शब्द हैं, 2। वेतन के साथ क्या होगा, भत्ता, भत्ता में कितने शब्द हैं, 2, एक भाव और एकता, अनुसूची 2। शपथ, शपथ में कितने शब्द हैं, 3, शपथ 3 शब्द हैं, अनुसूची 3। राज्यसभा में कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। राज्यसभा में कितने शब्द हैं, हिंदी साहित्य अगर आपने पढ़ा है तो आधे ज्या को एक शब्द नहीं माना जाता, बात क्लियर है। तो 4 शब्द हैं, अनुसूची 4। एसटीएससी अपना हक जब मांगता है तो अपने हाथ खड़े करता है, अपने हाथ खड़े करता है, और जब हाथ खड़े करता है इस तरीके से तो हाथ में 5 उंगली है, अनुसूची 5 में, बात क्लियर है। जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन 4 राज्य हैं, तो ये कहां से होगा, ये आपका अनुसूची 6 से होगा। ठीक है, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, इसमें अलग अलग विषय हैं, ये विषय मैं आपको बाद में बताऊंगा। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, इसमें बहुत सारे विषय हैं और इनके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में कानून बनाया जाता है। राज सूची में राज्य का जो विधानसभा है वो कानून बनाती है, मुख्यमंत्री, संघ सूची में केंद्र सरकार, और संवर्ती सूची में दोनों। अनुसूची आठ में 22 भाषाएं हैं, पहले 14 भाषाएं थी, फिर 8 भाषा और जोड़ दी गई। वो 8 भाषा कौन कौन सी हैं, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक बहुत अच्छी ट्रिक, मैं आपको बताता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, सेंधा नमक एसडीएम भोपाल, एक ये भाषा है, एक ये है, 3 स्लॉट हैं। पहले ये जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जल्दी से बताइए, 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां। 92 कब हुआ था, 2003 में। 92 कब हुआ था, 2003 में। 71वां कब हुआ था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको कैसे समझना है, पहले 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा जोड़ी कौन सी, सिंधवी, सा और धा दो है ना, सैंधा से क्या याद रखेंगे, सिंधवी कब जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन के आधार पर 1967 में। फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, मतलब नमक, 71वें संविधान संशोधन के आधार पर 1992 में। फिर कौन सी जोड़ी गई, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो, भोपाल से केवल बोडो याद रखना है। 92 संविधान संशोधन हुआ, 2003 में इनको जोड़ दिया, और कुल मिलाकर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भूमि सुधार तो आप जानते ही हैं, अधिग्रहण, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज याद रखना, पहले कितनी थी आठ अनुसूचियां थी, फिर 4 अनुसूचियां और जुड़ी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। 9वीं कब जुड़ी, 1951 में। 10वीं कब जुड़ी, 1985 में। 11वीं कब जुड़ी, 1993 में। और 12वीं कब जुड़ी, 1993 में। ये 4 अनुसूचियां जो है इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 9वीं कब जुड़ी, 1951 में, पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जुड़ी। 10वां जो है, 10वां
1985 में 51वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 1985 में हुआ और दल बदल जोड़ दिया। पहले क्या है, जो पार्टी के नेता लोग हैं वो बहुत ज्यादा दल बदलते थे, बहुत ज्यादा जिसमें मन हुआ उसमें दल बदल के पहुंच गए, लेकिन इसके बाद दल नहीं, दल बदल, देखो दल तो अभी भी बदलते हैं, लेकिन अब क्या है, अगर आपने दल बदला तो आपकी इस पार्टी की सदस्यता खत्म। जैसे अभी क्या चल रहा है, सचिन पायलट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, सचिन पायलट पार्टी छोड़ने वाले हैं, तो सचिन पायलट कांग्रेस से विधायक हैं, जैसे ही कांग्रेस को छोड़ेंगे इनका जो कांग्रेस की सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, मतलब कांग्रेस से विधायक नहीं रह सकते। पहले क्या था कि यहां से भी विधायक रहते थे वहां से भी जीत जाते थे, तो बड़ी समस्या आती थी राजनीति में। तो 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून लाए, 51वें संविधान संशोधन के तहत, और इसको खत्म कर दिया। फिर गांधी जी के शासन के आधार पर ग्राम पंचायत व्यवस्था शुरू की गई। ग्राम पंचायत व्यवस्था सबसे पहले भारत में ग्राम पंचायत कहाँ बनी थी, नागौर में। नागौर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कब बनी थी, 1959 में, लेकिन 1959 में इसे कानूनी दर्जा नहीं मिला था। क्या कह दिया था कि जिस गांव को लगे पंचायत बनाना है वो पंचायत बनाए, जिस गांव को ना लगे वो पंचायत नहीं बना सकता, जिसको मतलब इच्छा है वो बना सके। लेकिन 1993 में कानून बना दिया कि अब तो पंचायत होगी ही होगी, चाहे गांव छोटा हो या बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कानून बना दिया। कानून कब बना, 1993 में, किस संविधान संशोधन के आधार पर, 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1993 में, और पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। मतलब ये है कि आपके गांव में, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में जब पंचायत बनी तो वो सबसे पहले कब बनी, 1993 में। गांव के सरपंच से आप जाके पूछना कि आपका जो पद है वो कब से शुरू हुआ, फिर वो आपको बताता है कि नहीं, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, और उससे पूछना किस संविधान संशोधन के तहत आप काम कर रहे हैं, ये आपके काम की शुरुआत हुई है, आप थोड़ा सा हमें बताइए, है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा का स्तर भारत में कितना गहरा है या कहां तक फैला है। और अंतिम अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, मतलब स्थानीय सुशासन के नाम से पूछा जाता है, स्थानीय सुशासन के नाम से पूछा जाता है। 1993 में भी हुआ, लेकिन संविधान संशोधन 74वां था। इसको और इसको रट लेना, इसमें और इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सेम सन है, सेम ईयर है, बस अमेंडमेंट अलग है, संशोधन अलग है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, कहानी के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज और याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि ग्राम पंचायत जो है वो अपने कितने विषय पर काम करती है। इसका आंसर आप मुझे देंगे या मैं आपको बता दूं, जल्दी से बताइए क्या करना है। ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है इसमें कितने विषय रखे गए हैं, इसमें कितने विषय रखे गए हैं, जल्दी से आप बता दीजिए मुझे। चलो मैं ही बता देता हूं, आप लोग तो कुछ आंसर देते नहीं हूं, मैं रोज एक क्वेश्चन देता हूं, लेकिन कमेंट में कोई आंसर नहीं देता, बस एक या दो बच्चे हैं, है ना। एक शिवम है वो आंसर देता है, और चंचल है, और एक हेमंत है, है ना। ऐसे तीन चार लड़के हैं, एक कार्तिका भी है वो भी आंसर देती है, बाकी और चार पांच स्टूडेंट के अलावा किसी को कोई मतलब नहीं होता कि क्या पढ़ाया जा रहा है। मेरे ख्याल से तो वो वीडियो भी नहीं देखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, है ना। तो खैर ठीक है, मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ, बाकी आपका काम आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसमें 29 विषय हैं, है ना, इसको अच्छे से याद रख लेना, 29 विषय हैं। इस 29 विषय पर आपकी जो ग्राम पंचायत है वो काम करती है। अब आप जाकर पूछना कि 29 विषय कौन कौन से हैं, ये कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के आधार पर आपको होना चाहिए, क्योंकि 29 विषय कौन कौन से हैं ये केवल सरपंच ही बता सकता है, अगर उसको पता होगा तो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।